आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान जी से। सर आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक्स पूजा, धन्यवाद जी। सर मुझे बताइए, जब से आपने यहाँ का पगभार संभाला है, किस तरह का आपने सोचा है, आगे प्लानिंग क्या सोची है, किन किन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम करना है, फिलहाल अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं? सबसे पहले तो बड़े गौरव की बात है मेरे लिए जी। इट्स अ प्लेशर कि मुझे मौका मिला एक्सरसाइज वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने का। निजी तौर पे मैं वैसे भी चाहता था कि वेलफेयर के कार्यों से जुड़ूं जी, और अभी ये मौका मिला है तो इसमें बहुत खुश हूँ। एक विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है जिस पर पहले से भी काफ़ी काम हुआ है और हम उसी विजन डॉक्यूमेंट को आगे लेके जा रहे हैं ताकि एक्सरसाइजमेंट वेलफेयर में और बढ़ोतरी हो सके, चाहे वो उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए है या वीर नारियों की वेलफेयर के लिए है, चाहे कोई डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनके लिए है। तो ओवरऑल एक पैकेज है उसमें। फ़िलहाल चूँकि मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, फ़िलहाल एक स्पेसिफिक किसी इशू को पॉइंट करना जो है मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, पर ओवरऑल जो पुरानी प्रणाली चल रही है हम उसको देख रहे हैं। उसके बाद यदि उसमें किसी प्रकार की तब्दीली करने की गुंजाइश है ताकि बेहतरी हो सके तो हम अवश्य उसमें चेंज करेंगे। सर अगर आपकी बात की जाए, आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए, इससे पहले आपकी पोस्टिंग राजस्थान में थी और यहाँ की अगर बात की जाए तो क्या आपका पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर? यहाँ इस डिपार्टमेंट में यस, ये पहला है, मैं पहली बार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस विषय के बारे में। इससे पहले मैं काफ़ी बार ऐसी अपॉइंटमेंट्स में रह चुका हूँ जहाँ पर हमने सैनिक वेलफेयर के बारे में काम किया है, वीर नारियों के लिए काम किया है, और उसी कड़ी में शायद ये डिपार्टमेंट जुड़ गया है और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरी हो सके जी। मार्टियर्स की फैमिली की बात की जाए, आपके द्वारा टाइम टू टाइम आपकी टीम जाती है वहाँ पर, उनकी ग्रीवेंस भी जानती है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्या आपको लगता है कि उनको आ रही है और किस किस चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें कि इन लोगों ने कितना बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र हित में, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, राष्ट्र शांति के लिए। तो सर्वप्रथम उन सब वीरों को नमन, कोटि कोटि नमन उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए। हम जितना भी काम कर रहे हैं वो शायद कम होगा उस बलिदान की कीमत चुकाने के लिए। ये रही मूल रूप जो बात है। दूसरा है कि सरकार हर प्रकार से कोशिश कर रही है कि उनकी भलाई करी जाए, लेकिन क्या ये सिर्फ सरकार के ज़िम्मे ही छोड़ दिया जाना चाहिए? ये एक प्रश्न चिन्ह है जो पूरे समाज को सोचना है, हर एक सिटीजन जो सिटीज़न है उसको सोचना है। मुझे लगता है और हाल ही में जो मैंने यहाँ आने के बाद देखा है कि विशेष तौर से जम्मू की काफ़ी सारी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो सोशल वर्क कर रही हैं या समाज कल्याण से किसी भी रूप से जुड़ी हैं, उन्होंने काफ़ी जो है हद तक एक्स सर्विसमैन के लिए, वीर नारियों के लिए योगदान दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ योगदान करें, क्योंकि जो समाज कर सकता है वो शायद हर सरकार नहीं कर सकती। और जब एक सैनिक को ये विश्वास है कि उसके पीछे समाज खड़ा है तो वो निश्चिंत होकर किसी प्रकार का भी त्याग करने को जी तैयार हो जाता है। एक सैनिक की अगर बात की जाए, जितनी दृढ़ता से, जितनी कठिनाई से वो अपना कार्य करता है, उतनी आसानी से कहीं ना कहीं आज के लोग भूलते जा रहे हैं उसे, क्या कहेंगे, कितना बुरा लगता है उस समय कि हम उनके बलिदान को याद नहीं रख पाते हैं। कुछ संगठन जिस तरह से आपने बोला उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें, हम सबको मिलजुल कर उस शहादत को भूलना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी सैनिक की क्यों ना हो। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है आपकी वो जो पुराना एक शेर हम सुनते आ रहे हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, तो वो मेले लगाने के से हटके हमें एक कदम आगे बढ़ना है कि उनके डिपेंडेंट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ किया जाए जी। ताकि ये सिर्फ एक कथन ना रह जाए। अब कमी कहाँ है? कमी ये है कि हमें जागरूकता लानी है हर नागरिक के अंदर कि आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है। ये फ़र्ज़ एक तरफ़ा नहीं है कि सैनिक ही फ़र्ज़ दे रहा है और समाज के जो बाशिंदे हैं वो उसकी तरफ नहीं काम कर रहे। तो हम कोशिश करेंगे, हो भी रही है कोशिश पहले, कि जागरूकता या अवेयरनेस फैले। अभी हाल ही में हम इसके प्रिंट मीडिया से तो जा ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से या वेबसाइट के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से भी मैसेज जाए।
दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग कि आप लोगों से ये पक्का मैसेज फैलाएं कि भी उनकी भी एक जो है ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें। हर एक चीज़ सरकार नहीं कर सकती, हर एक चीज़ ऊपर जो बैठा है गद्दी पे वो बोलेगा ऐसा होगा, वो नहीं होगा जब तक कि जो लास्ट सज्जन जिसने काम करना है वो अपना काम नहीं करेगा। तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। जी, आपके डिपार्टमेंट द्वारा कई सारे प्रोग्राम करवाए गए थे पहले पर, अभी भी हाल ही में अगर बात की जाए कई सारे प्रोग्राम करवाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि जो काम किसी ने किया है सोच के किया है, और जो मेरे प्रेडिसेसर थे बी डी हरचरण सिंह, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जो वीर नारी को अडॉप्ट करने का था या उनके परिवारों से संपर्क करने का था जी। तो यकीनन ये अच्छा कार्य है और इस कड़ी को हम आगे चलाएंगे और हो सके तो इसको और बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उनके इस कार्य में काफ़ी आसपास के लोगों ने योगदान दिया है, चाहे वो आर्थिक था, चाहे वो किसी प्रकार की लीगल एडवाइस थी, किसी प्रकार की उनको हेल्प चाहिए थी वीर नारियों को या एक सर्विसमैन को, उन लोगों ने प्रोवाइड करी है जी। तो हम भी कोशिश करेंगे और आपकी गुड विशेज रही या सहयोग रहा तो हम इसको और आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है, हमें एक शहादत जिसकी हुई होती है उसकी शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके परिवार के साथ संपर्क रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, लेकिन मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उन्होंने अपने घर से एक व्यक्ति को खोया होता है। सर, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक छोटा सा मैसेज आप उन्हें कन्वे करना चाहेंगे? जी हाँ, हर भारत के नागरिक को याद रखना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा राष्ट्रहित में काम करें तो डेफिनेटली हमारे देश का जो है फ्यूचर ब्राइट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान जी, काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी के लिए दिया। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।